हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जी एस टी20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी का एमसीक्यू, उसका ये 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, कोयम्बटूर। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कोयम्बटूर जो है ये कौन से स्टेट में है, कमेंट कीजिए आप लोग। अगला है, द आयरन एंड स्टील प्लांट इन झारखंड इज एट। तो आयरन एंड स्टील प्लांट जो झारखंड में है ये कहाँ पे है? ये है बोकारो में। और यदि पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछता है इसे, बोकारो जो स्टील प्लांट है ये किसके सहायता से बनाया गया, किस कंट्री के सहायता से बनाया गया, तो वो है सोवियत यूनियन या फिर USSR रहता है। उस टाइम सोवियत यूनियन था, अब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, अभी वो रसिया अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो गया है। तो आपको ऑप्शन में जरूर सोवियत यूनियन या फिर USSR रहेगा। इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन और आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, ये तो बोकारो था स्टील प्लांट। यदि पूछ लिया जाए दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके मदद से बनाया गया है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, मैं यहाँ खाली डी लिख रहा हूँ, दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया है यूके के मदद से। याद रखिएगा, यूके रहेगा ऑप्शन में या ब्रिटेन रहेगा ऑप्शन में, आप टिक कर सकते हैं। और एक है राउरकेला, ये दुर्गापुर कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। और एक है राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जर्मनी के, मैं यहाँ सिर्फ जी लिख रहा हूँ, जर्मनी के मदद से बनाया गया है। तो ये तीनों स्टील प्लांट के बारे में आप याद रखिए, पूछता क्वेश्चन ऐसे ही कि किसके मदद से बनाया गया है। तो एक यूके के मदद से, एक जर्मनी के मदद से, और ये राउरकेला उड़ीसा में है। अगला देखते हैं, व्हाट इज तलचर इम्पोर्टेंट फॉर, मतलब तलचर जो है ये किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब किस, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर है या फिर केबल इंडस्ट्री है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है। तो ये जो है ये हैवी वाटर प्लांट है तलचर में। और ये तलचर कहाँ पे लोकेटेड है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है तलचर। तो आप याद रखिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हैवी वाटर प्लांट है तलचर में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो ये होता है मैन्युफैक्चर पेरम्बूर में, ऑप्शन नंबर ए में है, और ये तमिलनाडु में है। मैं यहाँ TN लिख दे रहा हूँ, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, एंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच एनिमल, तो ये रैबिट से निकाला जाता है। याद रखिएगा, ज़्यादातर इसमें गलती करके आ जाते हैं, सीप या गॉट मार के आ जाते हैं, रैबिट से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो ये कंस्ट्रक्टेड है चेनाब रिवर पे, ऑप्शन नंबर बी में है चेनाब रिवर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्लेस इज कॉल्ड ए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो ये बोला जाता है बेंगलुरु को, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पे, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डैम ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट, मतलब यहाँ पूछा है सबसे ऊंचा डैम कौन सा है। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक टाइप हो गया, टिहरी डैम होगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टिहरी डैम, TEHRI, टिहरी डैम। टिहरी डैम सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया का। लेकिन यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि यदि इंडिया का पूछ दिया जाए हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, तो भाखड़ा डैम हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो है भाखड़ा डैम है। ओवरऑल सिर्फ हाईएस्ट डैम पूछा जाए तो टिहरी डैम आप आंसर टिक करके आ जाइएगा। अगला है, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन व्हिच सिटी, तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में, यदि कोलकाता ऑप्शन दे दिया जाए। एक्चुअली हुआ क्या था, 1818 ईस्वी में फर्स्ट कॉटन मिल कोलकाता में किया गया था, लेकिन वो फेलुअर हो गया। और उसके बाद फिर 1854 ईस्वी में बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया गया कॉटन मिल, और ये सक्सेस हुआ। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में जो रहता है कोलकाता ऑप्शन में दिया हुआ नहीं रहता है, बॉम्बे दे के ही, ये डायरेक्ट क्वेश्चन SSC में पूछा गया था और ऐसे ही ऑप्शन में बॉम्बे दिया हुआ था। तो यहाँ पे आंसर बॉम्बे सही हो जाएगा। लेकिन पहला सेटअप मिल जो हुआ था कोलकाता में हुआ था, लेकिन वो फेलुअर हो गया था, वो चला नहीं था 1818 में।
अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो ये रिवर है सतलज रिवर, ऑप्शन नंबर ए में है सतलज। अगला क्वेश्चन है द पटकई हिल्स बिलोंग व्हिच ऑफ व्हिच माउंटेन रेंजेस। पटकई हिल जो है ये बिलोंग करता है पूर्वांचल, पूर्वांचल से। और देखिए ये एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पे है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं लेकिन बता दे रहा हूँ, ये इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है मेघालय के पास, मेघालय से और थोड़ा सा आगे वहाँ पे ये हिल बिलोंग करता है। जनरली इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है नॉर्थ ईस्ट में। अगला है व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग सिटी रिवर पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से देखिए सिटी का नाम दिया हुआ है और रिवर का नाम, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए वियना जो है ये डेन्यूब रिवर के नीचे किनारे है, ये तो सही आंसर है। न्यूयॉर्क जो है ये हंडसन जो है बे बगल में वहाँ पे रिवर है, तो ये सही है। अगला है लंदन थेम्स के किनारे है, ये भी सही है। लेकिन बर्लिन जो है ये राइन रिवर के किनारे नहीं है, बर्लिन जो है ये स्प्रे रिवर के किनारे है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ SPRWE, ये रिवर का नाम है और उसी के किनारे ये बर्लिन है। तो आप चारों याद कर लीजिए, हो सकता है कहीं ऑप्शन में कुछ और भी रहे और कभी किसी का और मिसमैच दिया हुआ रहे। अगला है मानसी रम इज लोकेटेड ऑन व्हिच हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये लोकेटेड है खासी हिल। देखिए मेघालय में गारो खासी एंड जयंतिया हिल है और यहीं पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बारिश होता है, आपको पता होगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है और यहाँ पे गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स है। यदि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ तो खासी हिल्स के पास है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया जाए तो ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है मेघालय का, वहीं पे ये जगह है। अगला है नाथुला पास इज इन, तो नाथुला पास कहाँ पे लोकेटेड है, ये है सिक्किम में लोकेटेड नाथुला पास। अगला है द आइलैंड ऑफ कोर्सिका इज एसोसिएटेड विथ, तो ये है नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड। देखिए मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, वो हिंदी में है, आप लोग देख लीजिए। वहां पे सिर्फ नाम ही तो रहता है कि कौन से जगह से किसका क्या संबंध है, तो उस पे ऊपर आई बटन में जाके वो देख लीजिए वीडियो, तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है कि कौन से किससे संबंधित कौन है। अगला है नाथुला एंड जलेपला पासेस आर लोकेटेड इन व्हिच माउंटेन रेंज, ये रेंज है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी, और ये कहाँ पे, सिक्किम में है। अभी अभी हम देख चुके हैं कि नाथुला जो है ये सिक्किम में है। अगला है इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो एरिया में पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इन एरिया वाइज जो है ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है मुद्दुमलई सेंचुरी इज फेमस फॉर, ये फेमस है टाइगर के लिए, एक टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो थ्रोन फॉरेस्ट जो होता है ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, तो यहाँ पे डेजर्ट एरिया कौन सा है, राजस्थान, तो राजस्थान में ये थ्रोन फॉरेस्ट पाया जाता है। ये इस क्वेश्चन का, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर हिंदी में बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। और इसके अलावा जो भी वीडियो आपको चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बार आप चैनल पर जरूर विजिट करें, वहाँ पर टॉप 500 हिस्ट्री का MCQ ऑलरेडी अपलोड है। इसके अलावा बहुत सारा वीडियो है जो अपलोड किया गया है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। यदि आप लोग इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं तो हिंदी वाला जो वीडियो आपको नोटिफिकेशन में जाता है तो उसको आप एक काम कर सकते हैं कि उसको आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा, आसानी से उनको वीडियो तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।